हेलो दोस्तों, मैं मीना सिंह। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर की दाल। ये बहुत ही टेस्टी होता है, तो उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg मटर और इसे हमने धो लिया है। और ये फ्रेश मटर है और इसके हम 3 हिस्से करेंगे। ये देखिए, तो एक को हमें खड़ा रखना है और एक को दरदरा पीसना है और एक को बारीक पीसना है। तो आधा हिस्सा हम डाल देंगे और आधे को हम दरदरा पीस लेंगे, ये देखिए। और इसमें से हम आधा निकाल लेंगे और जो इसमें थोड़ा बचा है उसको हम बारीक पीसेंगे। तो इसमें ही हम अदरक लहसुन और मिर्ची डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और इसको एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा मटर और मसाले पीस के तैयार है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिस कढ़ाई में बनाना है उसी कढ़ाई में निकालें। तो ये देखिए, 2 हिस्सा है और तीसरा हम इसे निकाल रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसमें डालेंगे जीरा और काली मिर्च का पाउडर, नमक। और जिस जार में हम इसे पीसेंगे उस जार को खंगाल के इसमें पानी हम ऐड कर देंगे। और पानी ज़्यादा ना डालें क्योंकि दाल को गाढ़ा ही रखना है। और इसमें हल्दी डालेंगे, तो हल्दी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा ना रखें क्योंकि मटर की दाल है तो इसमें हरा कलर आना चाहिए। और इसे हम मिक्स करके और गैस पे रख देंगे। हमने इसे इंडक्शन पे रखा है, आप किसी चीज़ पे भी बनाएं। और ये देखिए, दाल हमारी उबलने लगी। और इसको हम 5-7 मिनट के लिए उबालेंगे कि मटर हमारी जब तक पक ना जाए अच्छे से। और इसमें मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग डालते भी हैं लेकिन हमारे यहाँ सादा बनता है। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने रखा है कलछी, उसमें हम डालेंगे तेल और गर्म होने देते हैं। और अब हम उसमें डाल देंगे जीरा, और जीरा तड़कने के बाद हम डालेंगे इसमें हींग। हींग 2 बार डालना है, तो बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए, दाल भी हमारी हो चुकी है। तो एक बार मटर को देख लें, देखिए मटर भी हमारा गल गया अच्छे से। और दाल ज़्यादा पतली नहीं है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी होती है। तो गैस को हमने किया बंद और अब हम इसमें लगा देंगे तड़का जीरे का। और इसको एक बार हम अच्छे से चला देंगे। और इसको आप चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसका स्वाद थोड़ा मीठा मीठा आता है क्योंकि मटर की दाल है। और इसमें ज़्यादा मिर्ची ना डालें वरना इस बहुत तड़क भड़क हो जाता है। तो अब हम इसको चलिए परोसते हैं चावल के साथ। और इसके साथ हम बनाएंगे आलू का चोखा, जो भरता बोलते हैं, और टमाटर का। टमाटर में प्याज वगैरह डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सादा दाल है तो उस पर सादा ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस पर मसाले वाली सब्ज़ी एकदम नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए, हमने दाल, चावल, चोखा और प्याज रख दिया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार ज़रूर बनाएं,